खबर बस्ती से। एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी, एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देश पर छावनी पुलिस व एसओजी को सफलता मिली है। सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय के नेतृत्व में एसओ छावनी दुर्गेश पांडे ने 3 अंतरजनपदीय शातिर ट्रक चोर को गिरफ्तार किया है। एसओ छावनी दुर्गेश पांडे ने मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर ट्रक चोरों को रेडवल प्लांट से गिरफ्तार किया। एसओ छावनी दुर्गेश पांडे ने दूसरी चोरी की योजना बना रहे 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। एसओ छावनी दुर्गेश पांडे ने अभियुक्त ताज मोहम्मद, राजेश अग्रहरी व मनोज को गिरफ्तार किया। एसओ छावनी दुर्गेश पांडे पकड़े गए 3 शातिर चोरों ने बताया कि जिन ट्रकों में जीपीएस नहीं लगा होता उन्हें हम चुराते हैं। एसओ छावनी दुर्गेश पांडे ने अभियुक्तों के पास से ट्रक की कैबिन, महिंद्रा एक्सयूवी कार व 5,290 रुपये नगद बरामद किए हैं। आज जो है 2 जुलाई को थाना अध्यक्ष छावनी दुर्गेश पांडे के नेतृत्व में हमारी टीम जो कि यहाँ पे सोलर पैनल चोरी की घटना हुई थी उस पर काम कर रही थी, उसी के संबंध में बबरहवा के पास 2 व्यक्ति जो कि सस्पेक्टेड थे और सोलर पैनल को बेचने का प्रयास कर रहे थे, मुखबिर की सूचना पर उन दोनों को पकड़ा गया और उनके पास से 2 सोलर पैनल चोरी के बरामद किए गए हैं। इसके संबंध में मुकदमा पूर्व में लिखा गया था, उनको वादी मुकदमा को बुलाकर उनकी पहचान करवाई गई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ सर, ये हमारा जो पैनल चोरी गया था ये हमारे सोलर पैनल ही हैं। और गहराई से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने गोरखपुर से एक ऑटो भी चोरी किया था, जिसके संबंध में जनपद गोरखपुर में मुकदमा लिखा गया है और संबंधित थानाध्यक्ष से भी इस बारे में बातचीत की गई और वो ऑटो भी बरामद किया गया। जो दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम हैं, एक गोपाल पांडे सना राम प्रकट पांडे निवासी मल्लुकपुर थाना छावनी और दूसरा है रोहित शुक्ला पुत्र राजेंद्र शुक्ला निवासी मल्लुकपुर थाना छावनी, और उनके पास से 2 सोलर पैनल बरामद किया गया जो कि हमारे थाना क्षेत्र की चोरी का था और एक ऑटो है जो कि वो भी रिकवर किया गया है और इस संबंध में गोरखपुर पुलिस को सूचना दी गई है और 190 रुपये नगद बरामद किए गए। इस प्रकार से ये हमारा थानाध्यक्ष छावनी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा गुडवर्क हुआ है जिसकी काफ़ी प्रशंसा की जाती है और इसके लिए कैश रिवार्ड के लिए भी पुलिस अधीक्षक महोदय से संस्तुति की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।